जनता न्यूज लाइव पर खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपने चुनावी दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की है। उनका फोकस सिर्फ कुर्सी और तिजोरी पर रहा है। एक एक मंडल का मेरा दौरा है, मुझे विश्वास है पार्टी की एक सोच एक विचारधारा के साथ विजय प्राप्त करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं समझता हूँ ये उपचुनाव नहीं बल्कि एक प्रादेशिक चुनाव है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 40 से 50 सीटें होती हैं। आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हैं। मुझे विश्वास है बीजेपी को एक तरफा प्रचंड बहुमत मिलेगा। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, 15 महीने सीएम रहे, उनका चेहरा एक बार भी किसी ने न चंबल अंचल में देखा? तो कई बार मैं उनसे मिला पर एक कदम विकास के लिए नहीं उठाया। कमलनाथ जी ने जो गद्दारी की है वह ग्वालियर के साथ ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के साथ की है। उनका फोकस कुर्सी और तिजोरी पर रहा है। 5 महीने की सरकार में शिवराज जी ने पूरी तिजोरी खोल कर रख दी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम ले जाओ तो काम असंभव हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। कमलनाथ जी के काफिले पर हमला करने पर बोले, प्रजातंत्र के काफिले पर हमला करना निंदाजनक, मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज लाइव, भोपाल, मध्य प्रदेश। एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। कल कमलनाथ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कल कमलनाथ जी के काफिले पर हमला हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी भी किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूँ, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूँ और सदैव कहता हूँ, और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांक रही है।